गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे आप सॉल्विंग करिएगा, आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 1 जूल इज इक्वेलेंट टू, मतलब 1 जूल किसके बराबर होगा। इसका मतलब है 1 जूल किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 10^7 आर के बराबर होगा। 1 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 10^7 आर के बराबर होगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, तो आपको याद रखना है 10^7 अर्ग होगा। और दूसरे भाषा में पूछे कि 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना जूल होगा, तो आपको बोलना 10^-7 जूल होगा। ये दोनों प्रॉब्लम घुमा के पूछ सकता है, तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी आपका कितना होते हैं, तो आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक होता है लेंथ, एक क्या होता है आपका मास, एक क्या होता है टाइम, एक क्या होता है टेम्परेचर, एक क्या होता है करंट होता है, एक क्या होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। उसके अलावा जो भी होगा वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, वो क्या होगा डिराइव क्वांटिटी होगा, मतलब दूसरे से उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, डिराइव करेंगे। इसका मतलब इसका स्टूडेंट क्या होगा, टाइम नहीं होगा, मास नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंपल्स होगा स्टूडेंट। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेशर को जानना है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, ML^(-2) होता है। एरिया का क्या होगा, L² होगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ML^-1 पर क्या होगा, -2 होगा। इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप प्रेशर को P से दिखाते हैं और फोर्स को F से, एरिया को A से, तो आप फोर्स का डायमेंशन लिखोगे तो ML^(-2) क्या होगा, -2 होगा, और एरिया का क्या होगा, L² होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ML^-1 और T^ क्या होगा, -2 होगा। ये आपका क्या होगा, डायमेंशन होगा किसका, प्रेशर का। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या होगा, ML^-1 T^-2 होगा। उसके बाद द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टाइम टी इज गिवेन बाय, वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है और वेलोसिटी आपका गिवेन है वी इक्वल टू AT+BT² देन द डायमेंशन ऑफ बी, बी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो आप ये यदि वेलोसिटी स्टूडेंट, ये भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अब डायमेंशनली किसी भी क्वांटिटी को जब ऐड करते हैं तो क्वांटिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जितना क्वांटिटी होगा, राइट हैंड साइड का जितना क्वांटिटी होगा, इंडिविजुअल सब क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब आपका बी का डायमेंशन पूछ रहा है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू, वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, BT² लिखेंगे स्टूडेंट, और वी बाई T² इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बी, तो इसको सॉल्व करेंगे L^4 क्या होगा स्टूडेंट, -3 होगा। L^4 क्या होगा, -3 होगा। L^-3 होगा, B का डायमेंशन पूछ रहा है, इसका मतलब L^4 क्या होगा, -3 होगा। अब देखो स्टूडेंट, ए रनर कवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस R इज 40 सेकंड, ही डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड इज, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा स्टूडेंट। तो देखते हैं ये वाला तो प्रॉब्लम आपका यहां से 4 नंबर तक तो हो ही गया स्टूडेंट, इसको साफ कर देते हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 5 को यहां पर समझाते हैं कि 5 का सॉल्यूशन आपका स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान देने का कोशिश करिए, 5 बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको सॉल्व करके हम यहाँ पर 5 बताते हैं, ठीक है। अब देखो 5 का सॉल्यूशन क्या होगा, वो आप देखो यहाँ पर, और ये आपका क्या है, 5 है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, 5 है, ठीक है। अब देखो ए रनर कवर ए सर्कुलर पाथ, पाथ के साथ आपका स्टूडेंट एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आपका क्या दिया गया, आर दिया गया। क्या दिया गया स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। अब देखो ये कोई पर्सन है, ये आपका क्या कर रहा है, इस फील्ड का रन कर रहा है, ये एक चक्कर कंप्लीट करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में एक चक्कर कंप्लीट करने में स्टूडेंट इसको लगता कितना है, आपको बोल रहा है कि 40 सेकंड लगता है। मतलब ये पर्सन है वो पूरा चक्कर मारता है एक चक्कर, तो आपका कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड लगता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई पर्सन है वो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगाता है, इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना लग रहा, 40 सेकंड लग रहा। दूसरा साइकिल जब कंप्लीट करेगा, फर्स्ट साइकिल में 40 सेकंड लग रहा, सेकंड साइकिल में भी उसको क्या लगेगा स्टूडेंट, 40 सेकंड लगेगा। थर्ड साइकिल में भी उसको क्या लगेगा, थर्ड साइकिल में उसको क्या लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। अब देखो 120 सेकंड में वो क्या करेगा, कंप्लीट 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा।
इसका मतलब जब भी वो साइकिल कंप्लीट करेगा तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा फिर यहीं पर आके रुक जा रहा, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जब कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई पर्सन एक कंप्लीट चक्कर मारता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट किया तो वहीं पर क्या हुआ, वो पहुँच गया। इसका मतलब इस कंडीशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर अनदर 40 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अनदर 40 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब 40 हो चुका है, आपको रन कितना करना, 40 सेकंड करना। अब रिमेनिंग आपके पास कितना बचा हुआ है, 20 सेकंड बचा हुआ। इसका मतलब है कि 40 सेकंड कंप्लीट रन करके कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब 20 सेकंड में स्टूडेंट क्या करेगा, इसका आधा सर्किल को रन करेगा। इसका मतलब है कि 20 सेकंड में वो यहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब अनदर 20 सेकंड में वो कितना रन करेगा, तो यहां तक रन करेगा आधा सर्किल। और आधा सर्किल का यदि ये ए पॉइंट है स्टूडेंट, ये बी पॉइंट है, आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक यदि आठ दूरी है और यहाँ से लेके भी यहाँ तक क्या होगा, आठ दूरी होगा। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट 20 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, 2 आर कवर करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 आर होगा। क्या होगा, 2 आर होगा। आपसे डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 2 आर होगा। बट यदि इसमें डिस्टेंस पूछता, ये आपका क्या है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यदि आपसे डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते, यदि आपसे डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते, तो एक कंप्लीट सर्किल कवर करने में जो आपका सर्कमफेरेंस होगा सर्किल का, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो क्या होगा, 2πr होगा। इसका मतलब 40 सेकंड में जो डिस्टेंस होता है 2πr होता है, फिर अनदर 40 सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट, 2πr होता है, फिर अनदर 40 सेकंड में क्या होता है आपका, 2πr होता है, अनदर 40 सेकंड में 2πr होता है, और 20 सेकंड में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहुँचता। इसका मतलब वो क्या होता, हाफ सर्कमफेरेंस होता, हाफ सर्कमफेरेंस का मतलब इसका आधा करता, आधा करता तो πr होता, इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, 7πr होगा। इसका मतलब है इस पर लैंग्वेज का खेला है, यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, 2r होगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट के जगह पर डिस्टेंस पूछता तो आपका क्या होता, 7πr आंसर होता है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बढ़िया है, ये प्रॉब्लम को देखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखो ये बॉडी स्टार्ट एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इफ द एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड। मतलब आपसे आफ्टर 10 सेकंड में उसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 को ध्यान से समझने का कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी जो दिया गया वो क्या दिया गया, 20 मीटर पर सेकंड दिया गया। इसका मतलब यू का वैल्यू दिया गया 20 मीटर पर सेकंड दिया गया, ठीक है। एक्सीलरेशन स्टूडेंट क्या दिया गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या दिया गया, 10 सेकंड दिया गया। इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आप जानते हो कि न्यूटन मोशन का फर्स्ट लॉ भी इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, ए टी होता है। इसका मतलब भी निकालने के लिए बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 दिया गया, ए का वैल्यू 2 दिया गया और टी का वैल्यू 10 दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड आएगा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम में जो 6 का जो सॉल्यूशन है, 6 का जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 का हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम नंबर 7 पर आते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एरिया पूछ रहा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा। इसका मतलब एरिया का मतलब जो भी चीज दिया गया उसको सीधे भाषा में मल्टीप्लाई कर लेना, एरिया का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो वेलोसिटी और टाइम का यदि मल्टीप्लीकेशन करेंगे और जो मेरे को निकलेगा वही आपका क्या होगा, एरिया होगा। तो वेलोसिटी को डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, LT^-1 लिख सकते हैं, टाइम को T लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, सिंपल L आएगा, और L से हम लोग या तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया, इसका मतलब इसका क्या होगा आंसर, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया, अब स्टूडेंट देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। टू कार ए एंड बी, देखो 8 का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, ए कार ए है और ये आपका बी कार है, ठीक है। अब आपका क्या कर रहा है, दो कार है, अब देखो एक कार रनिंग कर रहा है, मतलब ए मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ईस्टवर्ड, मतलब यहाँ पर ईस्टवर्ड में मूव कर मतलब रन कर रहा है। इसका मतलब ये आपका ईस्टवर्ड होगा, दोनों कार आपका ईस्टवर्ड में मूव कर रहा है। एक कार का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, अनदर कार का जो वेलोसिटी है 40 किलोमीटर क्या है पर आवर है। इसका मतलब पूछ रहा है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या करना है, बड़ा वेलोसिटी से छोटा वेलोसिटी को माइनस कर लेना। तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है स्टूडेंट, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आपका दोनों कार का जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में क्या है, सेम डायरेक्शन है। यदि सेम डायरेक्शन में रहे कार मूव करे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 15 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। यही यदि दोनों एक कार इधर मूव करता है, एक कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, आपका एक ही पॉइंट स्टार्ट हो रहा था, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, एक कार इधर की ओर मूव करता, बी कार इसके इधर की ओर मूव करता, और आपसे पूछता रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जब दोनों कार आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दोनों वेलोसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर से इधर मूव करता और ये आपका 45 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है स्टूडेंट, यदि आपसे अपोजिट डायरेक्शन में बोला जाता और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाता, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, दोनों को हम लोग क्या करते, सिंपल ऐड करते, तो 60 प्लस क्या होगा 45 होगा, तो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, 105 किलोमीटर पर आवर होता है। लैंग्वेज का खेला है, लैंग्वेज को समझना है। देखो 105 भी आपका ऑप्शन में दिया गया, बट ये नहीं होगा क्योंकि आपका दोनों कार मूव कर रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए बड़े वेलोसिटी में से छोटे वेलोसिटी को माइनस करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब 15 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब एक प्रॉब्लम हम सॉल्विंग कर दिए स्टूडेंट। अब आप आते हैं 9 पर। 9 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। 9 प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कोई भी पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दोनों बराबर है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टी। दोनों वैल्यू यदि सेम है तो इसका डिफरेंस जो आएगा 0 आएगा, और डिवाइडिंग बाय टी, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो आपका स्टूडेंट क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। 10 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज केस ऑफ मोशन विथ, मतलब कोई भी यदि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा और कंडीशन कैसा वैक्यूम है, तो उसमें आपका एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब देखते हैं कि ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल टू द बी द डिस्टेंस, मतलब सीधी भाषा में समझो स्टूडेंट कि दो पॉइंट दिया गया है, आपका ए है और बी है, ये कोई पर्सन है वो आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है मूव कर रहा है, ए से क्या जा रहा है, बी की ओर जा रहा है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न टू ए, अब क्या कर रहा है, फिर वो रिटर्न कर रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पर पहुँच जाने के बाद उसको किसी कारणवशत वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया था वो जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये ए से बी जा रहा है, फिर बी से फिर क्या कर रहा है, ए जा रहा है, मतलब 1.5 किलोमीटर आगे जा रहा है ए से बी, और 1.5 किलोमीटर फिर आ रहा है बी से ए। इसका मतलब है कि इस ड्यूरेशन में जो आपका टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, टाइम जो है टोटल टाइम 1 आवर है। आपसे क्या पूछ रहा है, ये भी आपका लैंग्वेज का खेला है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आप जानते होंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा। इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम से क्या करना है, भाग देना। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से बी गया, फिर बी से ए आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि जहां से वो गया फिर वहीं पर रिटर्न आके पहुंच गया। इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 0 होगा, और टोटल डिस्टेंस पूछता तो 3 किलोमीटर होता, बट आपका डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और टाइम लगा 1 आवर, तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 0 होगा। ये भी लैंग्वेज का खेला है, यदि एवरेज वेलोसिटी पूछा है इसीलिए आपका क्या हुआ, 0 हुआ। यदि एवरेज स्पीड पूछता तो 0 ना होकर क्या होता, 3 किलोमीटर पर आवर होता। तो ये भी लैंग्वेज को ध्यान देना है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है। यदि एवरेज स्पीड पूछता है स्टूडेंट, तो एवरेज स्पीड पूछता, हम यहां पर मिटा के लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछता तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिस्टेंस हो जाता है। और डिस्टेंस जैसे होता है
तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब डेढ़ किलोमीटर गया, डेढ़ किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता? 3 किलोमीटर होता। और आपका क्या होता, टोटल टाइम जो 1 घंटा लगा था, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर क्या होता, पर आवर होता, यदि एवरेज स्पीड पूछता तब। बट यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बेसिकली उस तरह की क्वांटिटी को बोलेंगे जिसमें सिंपल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। बट वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? जिसमें आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा और पैरेललोग्राम लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो टेम्परेचर आपका क्या होगा स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। बट इंपल्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इंपल्स क्या होगा स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये आपका 12 प्रॉब्लम का सेट था, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, ये इससे आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही 100% श्योर है। आपका ये सब जो प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को बार बार रिविजन करिए। इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका अभी जो रिसेंटली 11 क्लास का जो एग्जाम होने वाला है, इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है, जो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट लाएंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।